हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं दोस्तों केसरी मरहम के बारे में, जो एक आयुर्वेदिक मरहम है। और दोस्तों, ये हरिद्वार में मैन्युफैक्चरिंग होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कमाल के कंटेंट पड़े हुए हैं, जो आप इस तरीके से देख रहे होंगे। लगभग 8 से 10 कंटेंट इसमें डाले गए हैं। इसमें दोस्तों, ये हरिद्वार में ही मैन्युफैक्चर होता है और आयुर्वेदिक मेडिसिन है। कुछ इस तरीके से लिखा रहता है कि 100% दमदार असर है इसका। और दोस्तों, ये कुछ अंदर की तरफ कुछ इस तरह की इसमें पैकिंग आती है, काफ़ी कमाल की पैकिंग है और सुंदर पैकिंग है। और दोस्तों, ये एक कांच की बोतल में आता है इस तरीके से है। इसकी MRP है दोस्तों 40 रुपये का है ये। और दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है इन्होंने कि सन 57 से ही लगातार लगभग बनता आ रहा है और 100% इफेक्टिव है। दोस्तों, इसका काफ़ी ज़्यादा मैंने नाम भी सुना है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसको यूज़ भी करते होंगे। कभी ना कभी आपने इसका यूज़ भी किया होगा। अंदर की तरफ आपको इसमें एक ये पॉम्पलेट मिल जाता है, जिसमें कंप्लीट जानकारी दे रखी है इनके बारे में और इसके अदर प्रोडक्ट के बारे में। तो कंप्लीट जानेंगे इस केसरी मरहम के बारे में, इसको लगाने का तरीका क्या है और किन किन उपयोग में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, लोगों को लगभग इसका पेन के बारे में ही इसका पता है कि पेन के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन मैं आप इसकी वीडियो में और इसके यूजेस बता। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेडिकल जानकारी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपसे उसका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। दोस्तों, केसरी मरहम को दोस्तों कई तरीके के उपयोग में किया जाता है। लगभग 40 से 80 रोगों में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। वात व्याधियों के लिए होता है, जैसे हवा की वजह से या फिर किसी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है बॉडी में, पेन रिलीफ के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। जैसे हम बात करते हैं कुछ रोग के बारे में, सिर दर्द, कमर दर्द, पसली का दर्द, बॉडी पेन, अंगों में दर्द हो रहा है, कहीं पर भी दांत दर्द आदि, मसूड़ों में सूजन वगैरह, उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दांत दर्द, मसूड़े में सूजन वगैरह है तो वहीं पर इसको लगाना है, और जिसका दोस्तों मुंह से पानी वगैरह आएगा तो आपको बाहर की तरफ उसको एक्सट्रैक्ट करना है। दोस्तों, चोट वगैरह में लगाना है, जैसे चोट वगैरह लग गई है, उसमें सूजन वगैरह आ जाती है, लालिम वगैरह आ जाती है, मूंछ वगैरह हो रही है, तो तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जुकाम और नज़ला हो रहा है, खांसी वगैरह हो रही है, सांस दमा हो रहा है, तो इन चीज़ों में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ में आप इसका लगाने के दोस्तों कोल्ड वगैरह में आप इसको नाक में थोड़ा सा लगा सकते हैं, नाक के बाहरी तरफ और थोड़ा अंदर की तरफ। और दोस्तों, इसको आप गर्म पानी में डालकर इसका स्टीम वगैरह भी ले सकते हैं। दोस्तों, गांठ वगैरह हो रखी है कहीं पर भी, किसी तरह के मसल्स गांठ है या फिर नर्व्स गांठ है, तो उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, कुछ हद तक आराम देगा। घुटनों वगैरह में है दर्द है, जॉइंट पेन में है, तो मसाज करने से आपको रिलीफ वगैरह देखने को मिल जाता है। हाथ पैरों में दर्द वगैरह होता है, शोल्डर पेन है, किसी भी तरीके का दर्द वगैरह है, एड़ियों का दर्द है, एड़ियाँ फटने पे भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। और दोस्तों, जोड़ों का दर्द वगैरह है, साइटिका पेन हो जाता है दोस्तों, मैं ऊपर शोल्डर की तरफ पेन को उसको उपयोग किया जाता है। घाव का दोस्तों खून को रोकने के लिए, जैसे गर्म कट जाता है तुरंत, तो उसमें ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, तुरंत इसको लगाने से ब्लीडिंग वगैरह भी रुकने बंद हो जाती है। घाव में सूजन वगैरह है, कम करने के लिए उसको उपयोग किया जाता है। इसके साइड की तरफ जैसे घाव हो जाते हैं तो किनारे किनारे सूजन वगैरह, लालिम वगैरह, उसके लिए उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, फुंसियों का ना पकना, कभी कभी फुंसियाँ पकती नहीं है, तो इसको साइड से अप्लाई करके आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। खाज खुजली पर इसको लगा सकते हैं दोस्तों, और दोस्तों खाज खुजली के लिए काफ़ी उपयोगी है। पके हुए घाव पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं साइड की तरफ, सूजन वगैरह कम करने के लिए। एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, इन चीज़ों में आप इसका विशेषकर उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, बिच्छू के काटने हो गए, ये दोस्तों मेन पॉइंट है, बिच्छू के काटने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आजकल दवाइयाँ नहीं बनी है, आपको इसको लगाने से कुछ ना कुछ आराम देखने को जरूर मिलेगा। पैरों में जैसे पानी के वजह ज़्यादा काम करने वाले दोस्तों पैर वगैरह सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ततैया हो गया काटना, मधुमक्खी काट देती है, कीड़ा वगैरह काटने पर भी इसका उपयोग किया कर सकते हैं। हार्निया रोग हो जाता है, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। सर्वाइकल का दर्द वगैरह है दोस्तों, सर्वाइकल के दर्द की बहुत कम मेडिसिन बनी हुई है, आप इसका यूज़ हल्के लगा सकते हैं। माइग्रेन, सरदर्द आदि के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी किया जाता है। दोस्तों, पेट के रोगों के लिए भी दोस्तों इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। पेट फूलना हो गया, पेट में दर्द, गैस आदि, इसको लगाने से दोस्तों जैसे आप इसको लगाते हैं तो नाभि पे लगाना होता है, नाभि के चारों तरफ, थोड़ा नाभि के अंदर लगाएंगे तो पेट फूलना, गैस जैसी कई समस्याओं का आप इसका उपयोग में ला सकते हैं, और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे पैरों के कटने पर भी दोस्तों इसका उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, आप इसको डाक के द्वारा या फिर ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, इन चीज़ों में आपको कंप्लीट जानकारी दे रखी है, या फिर आप टोल फ्री नंबर वगैरह नेट पर सर्च कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा आपको। दोस्तों, इसको लगाने का तरीका क्या,
क्या है, सुबह शाम इसको हल्के हाथ से मालिश करना है दोस्तों। लगाने के बाद तुरंत कवर कर लीजिएगा, इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए, आपको जल्दी तुरंत राहत देखने को मिल जाएगा। इसमें जो दोस्तों परहेज वगैरह है, ठंडा वगैरह नहीं खाना, जैसे चावल वगैरह, दही वगैरह, लस्सी वगैरह, इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, जिसकी वजह से आपको जल्दी से राहत देखने को मिलेगी दोस्तों। इसके कई सारे और भी यूजेज हैं, जिस वीडियो में बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी। गाइस सबसे बढ़िया बात यह है कि ये आयुर्वेदिक है, तो आपको कोई नुकसान वगैरह या फिर स्किन पर रैशेज वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छे कंटेंट इसमें डाले गए हैं और दोस्तों जैसे कि मोदी जी ने कहा है, स्वदेशी अपनाए, तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी अच्छा है ये आयुर्वेदिक उपयोग। मेरा कहना यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक दवाइयों का ही उपयोग करना चाहिए, अंग्रेजी दवाइयों को जितना हो सके उतना अवॉइड करिए, उन चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। सर्वाइकल हो गया, बिच्छू के काटने जैसी ऐसी बीमारियों के लिए आपको इनका ध्यान रखना चाहिए और आपको अपने पास रखनी भी ज़रूरी होती है दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है केसरी मरम के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलता है नए वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।